नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूं वो डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर ऑफ लोबेलिया इन्फ्लेटा पर दे रहा हूं। लोबेलिया इन्फ्लेटा एक ऐसी होम्योपैथिक रेमेडी है जो कि इंडियन टोबैको से बनती है और आप सभी लोग जानते हैं कि ये बहुत अच्छी दवा है अस्थमा के लिए। लोबेलिया इन्फ्लेटा लंग्स और हार्ट पर अपना एक्शन रखती है और इस कारण से ये अस्थमा के लिए जब किसी की सांस फूलती है तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट एक्शन है वो जीआईटी पर होता है। जीआईटी पर एक्ट करके ये नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और एसिडिटी प्रोड्यूस करती है। तीसरा इसका जो एक्शन होता है वो स्किन पर होता है, जिस पर ये एक ईचिंग और अर्टिकेरिया प्रोड्यूस करती है। तो लंग्स और हार्ट पर एक्ट करती है, इसके अलावा स्किन पर एक्ट करती है, जीआईटी पर एक्ट करती है और ये सीएनएस पर एक्ट करके वर्टिगो और हेडेक प्रोड्यूस करती है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि लोबेलिया इन्फ्लेटा का क्लिनिकल यूज कहां पर है और कहां कहां लोबेलिया इन्फ्लेटा का उपयोग होता है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि लोबेलिया इन्फ्लेटा क्यों इन चीजों के लिए इस्तेमाल करी जाती है। तो आइए दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोबेलिया इन्फ्लेटा जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक इंडियन टोबैको से बनता है और जब भी हम इंडियन टोबैको खाते हैं तो क्या होता है, आपने क्या एक्सपीरियंस किया है जब भी आप तंबाकू खाते हो? तंबाकू जब भी कोई नया व्यक्ति जिंदगी में पहली बार तंबाकू जब अपने मुंह में रखता है तो उसको चक्कर आने लगते हैं, उसका सर दर्द होने लगता है, उसका सर घूमने लगता है, उसको एक नौजिया की फीलिंग होती है और उसको उल्टी हो भी जाती है कई बार। अगर वो उसकी जो शुरुआती जो उसका सिक्रीशन होता है उसको अगर वो निगल जाता है, जिसको कॉमन भाषा में बोला जाता है फर्स्ट पीक, अगर वो उसको निगल जाता है तो उल्टियां आने लगती हैं। इस कैरेक्टर से हम क्या समझेंगे कि लोबेलिया इन्फ्लेटा जब भी किसी मरीज को एसिडिटी होती है जिसमें उसको एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन हो, क्योंकि तंबाकू खाने के बाद यहां पर एपिगैस्ट्रिक रीजन पर पेन होता है, साथ में उसको वॉमिटिंग्स आए, सीने में जलन हो और चक्कर आए, तो हम ऐसी एसिडिटी में लोबेलिया इन्फ्लेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है मेरा पहला डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। जब भी आप तंबाकू खाते हो तो तंबाकू खाने के बाद आपकी पूरी स्किन में एक टिंगलिंग सेंसेशन होता है और आपको ऐसा लगता है कि शरीर में खुजली हो रही है। अगर इस तरह का सेंसेशन किसी एलर्जी के पेशेंट को होता है और इन सेंसेशन के आने के बाद उसको अर्टिकेरिया आ जाता है, उसको सीत निकल आता है, तो हम लोबेलिया इन्फ्लेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि तंबाकू खाने के बाद हमारी स्किन में टिंगलिंग सेंसेशन और ईचिंग होता है, इसलिए लोबेलिया इन्फ्लेटा को हम एलर्जिक डर्मेटाइटिस और अर्टिकेरिया में यूज कर सकते हैं, जब भी कोई मरीज एलर्जिक ईचिंग बताता है और साथ में सीत की शिकायत करता है। तीसरा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, तंबाकू खाने के बाद मरीज को चक्कर आने लगते हैं और वो घूमने लगता है, उसको उसका ओरिएंटेशन चला जाता है अगर वो पहली बार तंबाकू खा रहा है तो, इसलिए लोबेलिया इन्फ्लेटा का इस्तेमाल हम मोशन सिकनेस में भी कर सकते हैं, जब मरीज को सरदर्द हो, चक्कर आए और उसको चलने में दिक्कत हो, उसको ऐसा लगे कि जैसे वो इंटॉक्सिकेटेड हो गया है, उसको नशा हो गया है, तब भी हम लोबेलिया इन्फ्लेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सभी ने देखा होगा लोग सुबह सुबह, जिन लोगों को तंबाकू की आदत होती है वो तंबाकू को खाके ही लेटन जाते हैं, मतलब तंबाकू खाने के बाद चूंकि आपकी जीआईटी का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाता है तो आपको लेटन की इच्छा होने लगती है, तो तंबाकू आपकी जीआईटी की पेरिस्टाल्सिस को बढ़ाता है, इसलिए आप इसको डायरिया में भी सक्सेसफुली यूज कर सकते हैं अगर मरीज को डायरिया लगता है तो लोबेलिया इन्फ्लेटा इसलिए भी डायरिया की एक अच्छी दवा है। अब मैं बात करता हूं कि जब भी आप ये देखिए, ज्यादातर केस में ये देखा जाता है कि अस्थमा
जिन लोगों को भी होता है उनको टोबैको की जो स्मोक होती है वो टॉलरेट नहीं होती, और टोबैको की स्मोक को लेते ही मरीज को, या तो जो मरीज पहले से अस्थमा से सफर कर रहा है उसका अस्थमा एग्रावेट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो इंडियन टोबैको होती है वो हमारी वेगस नर्व पर काम करती है, और वेगस नर्व एक पैरासिंपैथेटिक नर्व का एक टाइप होता है, और पैरासिंपैथेटिक नर्व हमारे शरीर में क्या करती है, हमारी जो ब्रोंकियल ट्री है, जो हमारे एयरवेज है, उनको सपोर्ट देती है। इसके अलावा ये हार्ट के एक्शन को मिनिमाइज करती है, हार्ट रेट को घटाती है, इसलिए मरीज की सांस फूलने लग जाती है, मरीज का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इसलिए आप लोबेलिया इन्फ्लेटा का इस्तेमाल ब्रोंकियल अस्थमा, कार्डियक अस्थमा और ऐसे समय कर सकते हैं जब किसी मरीज का बार बार ब्लड प्रेशर लो होता हो और ब्लड प्रेशर लो होने के साथ उसको चक्कर आते हो। हमारी होम्योपैथी में कई ऐसी मेडिसिंस हैं जो वेगस नर्व या मैं कहूं पैरासिंपैथेटिक नर्व पर काम करती हैं, और जितनी भी पैरासिंपैथेटिक नर्व पर काम करती हैं वो सभी जीआईटी और रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के लिए बहुत अच्छी दवाई होती है। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बताऊंगा जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि लोबेलिया इन्फ्लेटा पैरासिंपैथेटिक नर्व पर काम करके क्या कर रही है। देखिए दोस्तों, हमारी पूरी शरीर का जो एक्शन है वो नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। अब नर्वस सिस्टम भी दो तरीके के होते हैं, एक वो नर्वस सिस्टम होता है जिसको हम अपनी मर्जी से चलाते हैं या जो हमारी स्केलेटल मसल को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी के एक्शन को कंट्रोल करता है, इसको हम सोमेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और एक नर्वस सिस्टम वो होता है जो हमारे ब्रेन से आता है लेकिन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, जैसे हमारी जीआईटी के मूवमेंट, हमारा हार्ट का चलना, हमारा रेस्पिरेशन का चलना, ये इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं। हार्ट को, लंग्स को, जीआईटी को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम अपनी मर्जी से नहीं चला सकते, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ये सारे ऑर्गन ऑटोमेटिकली काम करते हैं। तो हमारे इंटरनल ऑर्गन को जो कंट्रोल करता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारी एक्सटर्नल बॉडी के एक्शन को कंट्रोल करता है वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये एक दूसरे के अपोजिटली काम करते हैं। अब इनको कैसे याद रखा जाए, तो याद रखिए आप, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फियर एंड फ्राइटफुल सिचुएशन में काम करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट को एक्साइट करता है और एयरवेज को फैलाता है, डायलेट करता है। इसके अलावा वो और बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके एक्शन को इनहिबिट करता है। आप ये नोट कर लीजिए, ध्यान रखेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट और लंग्स को एक्साइट करता है, बाकी बॉडी के सिस्टम को इनहिबिट करता है, जबकि पैरासिंपैथेटिक सिस्टम हार्ट और लंग्स को इनहिबिट करता है और बाकी बॉडी के सिस्टम को एक्साइट करता है। जैसे हार्ट और लंग्स को तो ये इनहिबिट करेगा, मैंने आपको बताया, हार्ट रेट को घटा देगा, हमारे एयरवेज को सपोर्ट देगा, लेकिन जीआईटी के एक्शन को बढ़ाएगा, आपको नींद लाने की कोशिश करेगा, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्शन को बढ़ाएगा। तो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लंग्स और हार्ट के एक्शन को इनहिबिट करते हैं जबकि सिंपैथेटिक लंग्स और हार्ट को एक्साइट करते हैं। तो हमारी होम्योपैथी में जितनी भी दवाइयां हैं जो कि पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या जिसको हम वेगस नर्व कहते हैं, होम्योपैथी की किताबों में वेगस नर्व को न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व के नाम से लिखा गया है। इस पर एक्ट करने वाली होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे अमोनियम टार्ट और एपिकाल, दोनों ही पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर काम करती है। और जो भी होम्योपैथी की दवा पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर काम करती है वो हमेशा जीआईटी की डिजीजेज में काम आएगी, जैसे डायरिया, एसिडिटी या फिर अस्थमा में काम आएगी, क्योंकि ये हार्ट को और लंग्स को इनहिबिट कर रही है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप लोबेलिया इन्फ्लेटा को समझ पाए होंगे। लोबेलिया इन्फ्लेटा एक इंडियन टोबैको है, और तंबाकू खाने के बाद आपको जो जो भी फील होता है वो कॉमनली सब लोग जानते हैं,
जब ये प्रॉब्लम्स किसी बीमारी के साथ एसोसिएट होती हैं, तो हम लोबेलिया इन्फ्लेटा का इस्तेमाल सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको लोबेलिया इन्फ्लेटा का डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर समझ में आया होगा। थैंक यू, गुड बाय।